पहले सीट बेल्ट को वॉल्वो ने इन्वेंट किया था, और कोई कंपनी कोई चीज को पहले इन्वेंट करती है तो वो उसे पेटेंट करवा लेती है, यानी कि उसके सिवाय कोई भी दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती और यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर वॉल्वो ने जानबूझकर सीट बेल्ट को पेटेंट नहीं करवाया ताकि सारी कार की कंपनी इसे यूज कर सके और लोगों की जान बचे। वॉल्वो के लिए एक लेख तो बनता है। नंबर 3, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दवाई को लेना भूल गए हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टाइप की दवाई अब मार्केट में मिलने लगी है। इनके ऊपर एक टाइप से वॉच और टाइमर दिया होता है जो कि ये बताता है कि इस दवाई को आखिरी बार कब खोला गया था। नंबर 2, आपने एक ना एक बार इन बॉटल के नीचे आने वाले बम को नोटिस किया होगा। तो आखिर ये किस काम के होते हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये बॉटल को अच्छा दिखाते हैं तो आप गलत हो। दरअसल ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल असल में ठंडी नहीं होती, लेकिन फिर जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो इनके लिक्विड में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रेशर में चेंज आता है। और अगर बॉटल को नीचे से एकदम स्ट्रेट किया जाएगा तो फिर वो प्रेशर को झेल नहीं पाएगी और वो फट जाएगी, और इसीलिए इनको ऐसा शेप का बनाया जाता है। और पानी की बोतल में गैस नहीं होता जिसकी वजह से चेंज नहीं आता, इसलिए पानी की बोतल को एकदम स्ट्रेट बनाया जाता है। नंबर 1, अगर हमारे नाखून ना होते तो क्या होता? जानता हूँ ये काफी अजीब सवाल है, लेकिन आप भी सोचते होंगे कि हमारे शरीर का सबसे वेस्ट हिस्सा नेल्स है, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन असलियत में ये है। हमारे शरीर में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। जब हम इतने इवॉल्व नहीं हुए थे तब ये नेल्स हमारे बहुत ही ज्यादा काम के थे। ये हमें किसी भी चीज से बचने में और बहुत ही सारे अलग अलग जगह पर काम आते थे, लेकिन आज के वक्त में इनका काम कम हो गया है, लेकिन आज भी ये इम्पोर्टेंट है। बिना नेल्स के ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि नेल्स आपके फिंगर को अच्छे से मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करते हैं। और जो नेल्स होते हैं वो हमारी उंगलियों को कई बैक्टीरिया से भी बचाते हैं और हमारी उंगली के अपर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए नेल्स भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।